लवणेन भोज्यम। क्या पीएम मोदी ने मंच से दी गाली? लवणेन भोज्यम। संस्कृत में पीएम मोदी ने बोले अश्लील शब्द? लवणेन भोज्यम। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हैशटैग अश्लील नरेंद्रा के साथ इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन संस्कृत बोलते बोलते वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम। जी हाँ, आपके कानों ने सही सुना, पीएम मोदी ऐसा ही बोल रहे हैं जैसा आपने सुना है। आगे हम पीएम मोदी के इस बयान की पड़ताल करेंगे और आपको इसका मतलब भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए कि कैसे सोशल मीडिया पर हैशटैग अश्लील नरेंद्र के साथ लोग मजे ले रहे हैं और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। ट्विटर पर वैभव रवि गुप्ता लिखते हैं, शर्मनाक, कैप्शन भी नहीं दे सकता। वही गोंगू राज नाम के यूजर लिखते हैं, कोई इस आदमी को रोके, अभी तक संस्कृत में कोई गाली नहीं थी, पीएम मोदी नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद कई लोग पीएम मोदी की शिक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पर तन्मय नाम के यूजर ने लिखा, शिक्षा मायने रखती है, जब आप किसी अनपढ़ आदमी को सबसे बड़े पद पर बैठा देते हैं तब आपको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी पर लोग गाली देने, आप शब्द कहने और संस्कृत भाषा के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या यह आरोप सही है और पीएम मोदी ने जो बोला असल में उसका क्या मतलब है? दरअसल ये वीडियो 30 जुलाई का है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत में पहली बार हो रहे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में पहुंचे थे, या उन्होंने जुडिशरी पर बात करते हुए संस्कृत का एक श्लोक बोला था। हम आपको सबटाइटल के साथ दिखाते हैं कि पीएम मोदी क्या बोल रहे थे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। पीएम मोदी ने अपने भाषण में श्लोक का इस्तेमाल किया था। श्लोक का मतलब था, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इस श्लोक का मतलब है कि जिस तरह विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की, नमक से भोजन की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही न्याय से शासन की सार्थकता सिद्ध होती है। संस्कृत का यह श्लोक किसी राज्य में न्याय की प्रासंगिकता को उजागर करता है। न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी पीएम मोदी ने ना ही गाली दी थी और ना ही उनकी जबान फिसली थी। हाँ, उनके उच्चारण से जरूर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या कह दिया, लेकिन असल में तो वो एक श्लोक ही बोल रहे थे। लेकिन आप इस पर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक।